नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज का वरदान 262वें दिन का ईश्वरीय वरदान जो कि हमें खुशी के बारे में सिखाता है। परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हम और को कैसे खुश रखें और कैसे भी स्वयं भी खुश रहें। कोई हमारे बारे में कुछ कह भी दे तब भी हम किसी से दुख ना लें। तो आइए देखें आज की बहुत ही सुंदर वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा, हमारे कौन से श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भावा। हम औरों को अपने बुरे व्यवहार से तंग भी कर सकते हैं, दुखी भी बना सकते हैं। देखें इसको एक्सप्लोर करेंगे छोटी छोटी बातों में। बाबा कहते हैं जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। देना तो आता है, क्या लेना आता है हमें, एक्सप्लोर करते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी ऐसी चीज, किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। किसी को ऐसी चीज देना, अब चीज का मतलब ये नहीं कि कोई चीज कोई वस्तु की बात हो रही है, हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि बद्दुआ तो नहीं कमा रहे हम कहीं, क्योंकि वो बद्दुआएं लास्ट में जब शरीर छोड़ रहे होते हैं तो हर किसी को याद आती हैं और वो महसूस होती हैं उस समय। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, एक बात होगी आपने सुना होगा ध्यान से, दुख दिया वो तो हम करते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन क्या किसी से दुख लिया? क्योंकि दुख लिया तो हम दुख देंगे। दुख लिया मतलब कि किसी ने हमें कुछ कहा तो हमने बुरा माना तो हम उसको तीन चार और सुना देते हैं। तो दुख लिया तो दुख देना भी होता है, लिया तो दिया, नहीं लिया तो कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। अब बात यह आती है कि हम सारे दिन में और को हम सुख कैसे दें। हम सोचते हैं ज़्यादातर कि हम किसी को कुछ चीज़ खरीद के दे देते हैं तो वो सुखी हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए सुखी हुआ था क्या, लेकिन क्या वो व्यक्ति, क्या वो आत्मा उस सुख के कारण कहीं कमज़ोर तो नहीं बन रही अंदर से? सोचने की बात है, क्योंकि लंबे समय के लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो वो दुखी हो सकती है। किसी को अगर हम उसकी खूबसूरती के ऊपर, किसी को अगर हम उसकी दुनियावी प्राप्ति के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करें या उसको हम बढ़ा चढ़ कर कुछ कहें तो वो बहुत खुश हो सकता है, उसका अहंकार बढ़ सकता है और वो अहंकार ही जड़ हो सकती है कि वो नीचे गिर जाए। लेकिन अगर हम उसके उस गुण को आगे बढ़ाएं, गुण के बारे में कहें, उसके गुण को हम महत्वता दें कि आपके इस गुण के कारण आप आगे बढ़े, तो उस व्यक्ति को वो गुण कभी नहीं भूलेगा और वो गुण के कारण वो हमेशा फिर से सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, चौथी बार भी वो सक्सेसफुल हो सकता है। धैर्यता, जैसे कि नम्रता, अगर ये किसी को याद दिलाया जाए ना कि उसकी उपलब्धि के बारे में, तो हम उसको हम सुख दे रहे हैं, क्योंकि वो सुख सदा के लिए रहेगा, कुछ क्षण के लिए नहीं। लेकिन अगर आपने वाह वाह कर दी, किसी को गिफ्ट दे दिया, अरे ये तो तुमने आगे प्रमोशन पाई है, आज मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, तो उसको वो गिफ्ट याद रह जाएगा लेकिन उसको वो गुण याद नहीं रहेगा जिस कारण से वो आत्मा आगे बढ़ी थी अपने जीवन में। तो अब सच्चा कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सच्चा सुख देना कौन सा है? ये व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा व्यवहार कभी कभी मतलब ही हो सकता है। हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी के बारे में अच्छा कहते हैं, क्यों? ताकि वो हमें कुछ अच्छा कहे नेक्स्ट टाइम अगर हम अच्छा करें, या वो हम उनके अच्छे बुक्स में आ जाएं, उनकी नज़रों में हम अच्छा बन जाएं। परमात्मा चाहते हैं कि हम वो चीज़ें ना करें, क्योंकि वो बहुत छोटे समय के लिए होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम जब किसी को सुख देते हैं तो हम इस तरीके से दें ताकि वो सुख सदा काल के लिए रहे। और अगर हमने किसी को सुख दिया और उसने अगर हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर हमने कुछ किसी को मदद करी और उसने अगर हमारी मदद वापस नहीं करी तो वो हो गया दुख लेना। अगर हमने बुरा मान लिया तो वो दुख लेना हो जाता है। तो हम ना किसी से दुख लें ना किसी को दुख दें। अगर हम किसी से दुख ले लिया तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम फिर से मदद नहीं करेंगे, वो क्या हो गया, दुख देना। तो अगर हमने दुख लिया तो नेक्स्ट टाइम हम मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमें कुछ हेल्प नहीं करी, वो हो गया दुख देना। वो जो टेंशन फील होती है वो है दुख की टेंशन। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा कहते हैं कि वो पुण्य आत्माएं होती हैं जो कि औरों की मदद करती हैं कुछ चीज़ दे करके। चीज़ सिर्फ ये नहीं कि हम सहयोग करें, कोई
किसी को मदद कर दिया, कोई अगर बहुत सेवा कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है घर में, अगर उसको जाकर के मदद कर दी, सुख देना हुआ, तो उसको कहते हैं सहयोग देने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो क्या हुआ यूज़, आपने क्या किया, सहयोग देने की शक्ति को यूज़ किया। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उन गुणों को इस्तेमाल करें, उन गुणों को बढ़ाते जाएं। हमने अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया उनके गुणों के ऊपर कि आपके अंदर अथक सेवा की आपके अंदर शक्ति है, अब तो अथक सेवादारी है, बहुत अच्छा करते हैं आप सेवा, तो उसके अंदर वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो आगे बढ़ती जाएगी आत्मा। किसी के गुण को देख लिया, जैसे कि कोई किसी के साथ में अगर आपकी टेंशन या स्ट्रेस बढ़ गया किसी कारण से, गलत फहमी के कारण से, आपने उसको सच्चे कारण से उसको कॉम्प्लीमेंट किया, तो वो आप उसको सुख दे रहे हैं, उसका वो गुण आगे बढ़ेगा और आपके साथ जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो घट जाएगी। लेकिन अगर आपने इसलिए किया ताकि वो आपको मदद करे किसी काम में, तो वो ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इसलिए किया कि वो स्ट्रेस कम हो जाए, वो जो टेंशन आप में बनी वो ख़त्म हो जाए, बाकी वो आपको मदद करे ना करे, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो वो हो गया सुख देना। तो क्या आप सुख देने वाली आत्मा है कि आप दुख लेने वाली आत्मा है? अगर हम किसी को कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किसी के कुछ करते हैं ताकि हमें कुछ वापस मिले, तो आप दुख लेने वाली आत्मा है, क्योंकि आप दुख के लिए तरीके निकाल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा मदद करें। और अगर हम देखते हैं कि कोई हमारी मदद भी नहीं करता है, तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे संस्कार अच्छे हो रहे हैं, हमारे अंदर सहयोग करने के संस्कार हैं, बिना कुछ चीज़ मांगे। हमने एक नया एक्सपीरियंस किया, कोई नई चीज़ सीखी है बिना कुछ मांगे रिटर्न में, तो वो जो संस्कार है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो किसके साथ रह गया? आपके साथ रह गया। चाहे आपने किसी को कोई नई चीज़ में हेल्प कर दी हो, तो वो भी हो गया सुख देना और दुख नहीं लेने का तरीका। तो क्या आप पुण्य आत्मा हैं? क्या आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और उनको एक्सपीरियंस करके, कि आप ज़रूर इस चैनल पर, अपने चैनल पर एक कमेंट करेंगे, ताकि और लोग भी इसको सुन करके उनको भी फील हो कि हाँ सच्ची बात है, ये करने से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो अगर आप ऐसे करते हैं और अगर आप औरों के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने भी किसी को सुख दिया। तो आज का आपका दिन शुभ हो, ये वरदान आपका महत्वपूर्ण वरदान, आप ज़रूर कमेंट करें और सोचें इसके बारे में गहराई से। ओम शांति।